हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज क्या हमारा फिफ्थ लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जैसे कि हम रिसर्च मेथडोलॉजी के हमने स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स पर भी हमने कुछ सेशन स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने अभी तक पैरामेट्रिक के सारे टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए, टी टेस्ट, जी टेस्ट, एनोवा, ठीक है। सो यहाँ तक कि हमने सारे टेस्ट कंपेयर सारे टेस्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिए, और आज के सेशन से हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो फर्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी लेंथी टॉपिक है, विच इज काई स्क्वायर टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वेटेज होता है इस टॉपिक से। इस टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है सारी चीजें, और एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व कर बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो आपका पेपर वन होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड, तो उस पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, 1500 प्लस एमसीक्यूज, रिविजन पीडीएफ। सो इस तरीके से हमारा पूरा कंटेंट एक ही जगह पर बायलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं एक ही जगह पर। 100% गारंटी वाला कोर्स है कि हमारे ही कोर्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है और हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनका ये कोर्स डिजाइन करा हुआ है। 100% गारंटी वाला कोर्स है। सारे यूनिवर्सिटीज में अब तक के सारे क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन हमारे इसी कंटेंट से पूछे गए थे। सो आपकी जो पास करने की, आपकी जो पासिंग मार्क्स की गारंटी, वो हम लेते हैं, हम आपको उतना प्रिपेयर करवा देते हैं। तो उसकी आपको कोई जरूरत नहीं होती है टेंशन लेने की। आपको बस कोर्स को परचेस कर आपकी प्रेपरेशन को आपको स्टार्ट करना है। सो कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। आप वहां से जाकर डायरेक्टली हमारे ऐप पर विजिट करते हो। याद रखिएगा, आपको ऐप को डाउनलोड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं पूछा जाता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वन क्लिक में आपको हमारे ऐप की वेबसाइट पर से सारा कंटेंट एक ही क्लिक में मिल जाएगा। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज, रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशियंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। जैसे कि हमने अभी तक जो प्रीवियस सारे लेक्चर्स में हमने पैरामेट्रिक टेस्ट देख लिया था, ठीक है, सारे पैरामेट्रिक टेस्ट हमने स्टडी कर लिया था, टी टेस्ट, जी टेस्ट, एनोवा, ठीक है। तो ऐसे सारे टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट जो है सारे कवर कर लिया था हमने, और आज के इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अगेन इम्पॉर्टेंट है, जितना कि पैरामेट्रिक टेस्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, पैरामेट्रिक टेस्ट पर ये ज्यादा वेटेज है, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट आता है, काई स्क्वायर टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटने टेस्ट जिसे हम यू टेस्ट कहते हैं, एंड क्रूस्काल वैलिस टेस्ट जिसे हम एच टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों भी टेस्ट जो है आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं। तो याद रखिएगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट आते हैं, मैन विटने टेस्ट आता है जिसे हम यू टेस्ट भी कहते हैं, एंड क्रूस्काल वैलिस टेस्ट,
ठीक है, जिसे हम एच टेस्ट कहते हैं। सो हम वन बाय वन सारे टेस्ट को देखेंगे इन डिटेल में, ये सारे टेस्ट होते क्या है, कब यूज करा जाता है, इनके एप्लीकेशंस क्या है, इनके फॉर्मूलास क्या है, बस आपको इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसी को आपको याद रखना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको नहीं आता है, याद रखेगा, एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम जो है आपको नहीं जल्दी पूछा जाता है, प्रॉब्लम बेसिकली नहीं आता है, ठीक है। बस आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बताया, एन माइनस वन, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, आपके सैंपल्स जितने सिलेक्ट करे होते हैं या फिर जितने ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं आपको, वो होता है एन माइनस वन, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक सैंपल है जिसमें 23 पीपल्स है, 23 पीपल्स पर स्टडी करा गया, सॉरी 23 स्टूडेंट्स पर स्टडी करा गया, ठीक है। 23 जो है स्टूडेंट है, 23 स्टूडेंट्स पर स्टडी करा गया, और कुछ स्टडी करा गया कुछ ड्रग्स पर, ठीक है, कि उनकी एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड ड्रग देने से क्या उनकी हाइट में इंक्रीज होती है फिर नहीं होती है, ठीक है, ये स्टडी करा गया। अब यहाँ पर 23 क्या है, ये मेरा सैंपल साइज है, इज नथिंग बट माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा इस केस में, 23 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 22। बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन दिया होगा, लॉन्ग आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन समझना होगा, जो भी आपका सैंपल साइज होता है, आपके नमूने का जो भी आकार होगा वो उस तरीके से आपको देखना है, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल दिया होगा, और बस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने हैं, माइनस वन करने हैं, विच इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ से आपको एक कंपलसरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल काय स्क्वायर टेस्ट होता क्या है, कब यूज करा जाता है, इसे हम डिटेल में देखेंगे, एंड देन रिमेनिंग टू टेस्ट। तो चलिए देखते हैं हम कि काय स्क्वायर टेस्ट होता क्या है। तो काफी सिंपल है काय स्क्वायर टेस्ट, हम डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर सारे जो है नोट्स आप यहाँ से बना भी सकते हो नोट्स, ठीक है। तो डिटेल में सारी चीज एक्सप्लेन करा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो याद रखना है काय टेस्ट तो हम पढ़ते कि इट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। हमने अभी भी देख कर आया कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर कौन सा टेस्ट आता है, काय स्क्वायर टेस्ट। लेकिन समटाइम्स काय स्क्वायर टेस्ट एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज करा जाता है, ठीक है। किस कंडीशन में यूज करा जाता है उसका अलग से एक फॉर्मूला होता है, ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन आप पहले हम सिंपल सिंपल जो कॉन्सेप्ट है काय स्क्वायर टेस्ट के बारे में, जो जो आपको पता होना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं, देन हम एंड में देखेंगे कि काय स्क्वायर टेस्ट एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज करते हैं हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जब ये पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए यूज कराया जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल में जब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काय स्क्वायर टेस्ट का कैसे यूज होता है उसकी थियोरी यहाँ पर हम अभी देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो काय स्क्वायर टेस्ट क्या है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, ठीक है। बेसिकली ये टेस्ट हम सारे क्यों कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हमारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है, वेदर हमारी नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करने वाले हैं या फिर नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। यही दो कंडीशन होती है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो उसी में काय स्क्वायर टेस्ट भी इसीलिए कराया जाता है ताकि हम हमारी हाइपोथेसिस का टेस्ट कर सके। तो या तो हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं या तो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली दोनों चीज नहीं करेंगे, एक ही करेंगे, या तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे, अस्वीकार करेंगे, या फिर उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट काय स्क्वायर कैन बी यूज, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के कंडीशन में काय स्क्वायर को हम किस किस कंडीशन में यूज करेंगे, कैसा यूज करा जाता है। टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। किसके लिए यूज करा जाता है, गुडनेस ऑफ फिट इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो किस तरीके से गुडनेस ऑफ फिट हम क्यों कहते हैं, कैसे यूज करा जाता है ये, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इट इज हेल्प इन एक्सेसिंग द गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन अ सेट ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज एंड द थियोरेटिकल एंड द एक्सपेक्टेड थियोरेटिकली, ठीक है। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा आपको देखना है कि गुडनेस ऑफ फिट क्यों कहते हैं हमको, तो ये नेक्स्ट आपको पॉइंट में दिया है, क्यों कहते हैं हम गुडनेस ऑफ फिट।
तो देखिए, जैसे कि जो हमारा काय स्क्वायर टेस्ट है वो कंपेयर करता है हमारे ऑब्जर्व वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज में से. ठीक है, ऑब्जर्व क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद हमें पता चलता है कि ये हमारा जो वैल्यू आ रही है यही हमारा रिजल्ट है. लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड मतलब कुछ हम प्रिडिक्ट करते हैं, कुछ अज्यूम करते हैं कि ऐसा करने से हो सकता है ऐसा होगा, विच इज नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, रिसर्च में अज्यूम कर लेते हैं, हम हाइपोथेसिस ले डाउन कर लेते हैं, विच इज हाइपोथेसिस का अगर सिंपल वे में आपको अगर वर्ड का मीनिंग आप देखोगे तो होता है प्रिडिक्शन, यानी कुछ गेसेस करना, उसी को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मैथ्स में. ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होते हैं, जो हमारे गेसेस होते हैं, एंड ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो हमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद मिलती है. तो हम क्या देखते हैं, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ रही है, क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में वो वैल्यू फिट हो रही है या फिर नहीं हो रही है. यही जो वैल्यू हमारी आ गई वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में फिट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उसी को हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट. क्या हमारा जो डेटा है, हमारी जो वैल्यूज है, क्या इस पर्टिकुलर ग्राफ में, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में वो वैल्यूज फिट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, यही चेक करने के लिए हम गुडनेस ऑफ फिट का यूज करते हैं. सो गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं काय स्क्वायर टेस्ट को, ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, आई होप के क्लियर हो गया हो. ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट के लिए एज अ गुडनेस ऑफ फिट क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि हमारे जो ऑब्जर्व वैल्यू, जो एक्चुअल हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वैल्यूज मिलती है, तो वो वैल्यूज हमारे इस ग्राफ में फिट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये देखने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं. ठीक है, और ये किस लिए यूज होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल. ठीक है, यानी टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल पर हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज. जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड इज नथिंग बट प्रिडिक्शंस. ठीक है, आपके जो प्रिडिक्शंस होते हैं, जो गेसेस होते हैं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, जो आप गेस करते हो, जो आप प्रिडिक्ट करते हो, एंड द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, जो एक्चुअल आपकी वैल्यू आ रही है. आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया, आपने देखा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद कि आपकी एक्चुअल वैल्यू जो आ रही है वो आपकी रियल वैल्यू है, यही हमारी इस एक्सपेरिमेंट्स की ट्रू वैल्यू थी. ठीक है, जैसे कि आप रिसर्च करते हो, बेसिकली रिसर्च में आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो. हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस का अगर आप सिंपल वर्ड में मीनिंग देखो तो क्या होता है, इज नथिंग बट गेसेस, प्रिडिक्शन. तो वही होता है यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, काय स्क्वायर टेस्ट में आप कुछ समय के लिए एक्सपेक्ट कर लेते हो, फिर उसका आप टेस्ट परफॉर्म करते हो, एंड आपकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आती है, विच इज योर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर द डिफरेंस ग्रेटर द वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर. तो ग्रेटर द डिफरेंस किस तरीके से ग्रेटर डिफरेंस है, यानी आपके जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो क्या होगा, उस केस में काय स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ग्रेटर होगी. तो प्रीवियस पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ देयर इज अ ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर, ग्रेटर, इक्वल, लेस, नॉट इक्वल. ठीक है, सो क्या होगा उस केस में, आंसर ग्रेटर, यानी जितनी ज्यादा आपकी काय स्क्वायर, सॉरी जितनी ज्यादा आपके एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपकी काय स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू होगी. किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं. यहाँ पर मैंने स्टडी करा एक सेवेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पर. ठीक है, सेवेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पर यहाँ पर मैंने स्टडी करा. यहाँ पर मैंने सेवेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स में डिवीजन ए एंड डिवीजन बी पर स्टडी करा. अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, जो डिवीजन ए है, डिवीजन ए में मैंने देखा कि उन सेवेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की मैंने हाइट पर स्टडी करी. ठीक है, और मैंने सेवेंथ स्टैंडर्ड के ए एंड बी डिवीजन के स्टूडेंट्स पर स्टडी करी. अब जब मैंने देखा, मैंने ये एक्सपेक्ट करा, ये मेरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लगाई मैंने कि हो सकता है यहाँ पर 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट है, बचे हुए 50% क्या हो गए, किसी की हाइट बहुत ज्यादा होगी या फिर किसी की हाइट बहुत कम होगी.
उसी तरीके से डिवीजन भी का मैंने क्या प्रिडिक्शन लगाया, क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, मैंने क्या एक्सपेक्ट करा कि हो सकता है 30% जो स्टूडेंट्स है 30% स्टूडेंट्स की हाइट जो है एवरेज है, बचे हुए 70% जो स्टूडेंट्स है किसकी बहुत ज्यादा हाइट है, किसी की बहुत कम है। लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा, जब मैंने स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करा, तो मैंने ये पाया कि डिविजन ई में जो स्टूडेंट्स है उनमें जो एवरेज हाइट वाले स्टूडेंट्स है वो ओनली 35% थे। ठीक है, अब डिवीजन बी में मैंने ये पाया कि जो एवरेज हाइट वाले स्टूडेंट्स थे वो 45% थे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 15% का डिफरेंस आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 15% का डिफरेंस आ रहा है, अगर देखा जाए तो 15 to 20% का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपकी क्या होगी, काई स्क्वायर की वैल्यू। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता, और ज्यादा डिफरेंस होता, अगर ए डिविजन स्टूडेंट्स में मैं ये देखती है कि जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ 15% एवरेज स्टूडेंट्स है, तो इस केस में क्या होती, मेरी जो डिफरेंस होता वैल्यूज में वो कितना होता, 35। ठीक है, 35 डिजिट का डिफरेंस होता है, तो क्या होगा, मेरी और ज्यादा काई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ते जाएंगी। जितना ज्यादा डिफरेंस होता जाएगा उतना ज्यादा मेरी काई स्क्वायर की जो वैल्यूज है ये बढ़ते जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। जितना ज्यादा आपके एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ग्रेटर आपकी काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज देन द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ गया हो। तो मैं आपको एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल लेकर बताती हूँ जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में कोई डिफरेंस नहीं है तो उस केस में क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जैसे मान लीजिए मैंने अगेन स्टडी करा कि मैंने ये स्टडी करा कि 49 इयर्स की जो फीमेल्स होती हैं एंड जो मेल्स होते हैं उनके कैल्शियम लेवल पर मैंने स्टडी करा, उनके बोन्स क्या होते हैं 49 इयर्स पर, यानी 49 इयर्स में उनके बोन्स कैसे अफेक्ट करती हैं, क्या कैल्शियम लेवल उस एज में क्या होता है, ऑब्वियसली कम होने लगता है। तो मैंने ये पाया, मैंने ये यहाँ पर एक्सपेक्ट करा कि हो सकता है 95% जो फीमेल्स हैं उनमें कैल्शियम लेवल कम होता है एट द एज ऑफ 49, एंड मेल्स में जो 85% जो मेल्स होते हैं उनमें कैल्शियम कमी होती है एट द एज ऑफ 49, यानी उनके बोन्स पर अफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन मैंने जब ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करी, जब मैंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, तब मैंने क्या करा, मैंने भी ये पाया कि 95% जो फीमेल्स है उनमें कैल्शियम की कमी होती है 49 ईयर्स में, एंड 85% मेल्स जो है उनमें भी कमी होती है 49 ईयर्स एज में, कि उनकी कैल्शियम कम होने लगते हैं, उनके बोन्स अफेक्ट होने लगते हैं। तो इस केस में अगर आप माइनस करो तो दोनों भी केस में आपका क्या आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, 95 माइनस 95 इज जीरो, 85 माइनस 85 इज जीरो। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल केसेस में होता है, ऐसा नहीं होता आप जो प्रिडिक्ट करो, आप जो सोच लो वही हो। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम तो नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही होता है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर स्टडी करी, मैंने मान लीजिए मैंने ये स्टडी करी, मैंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, तो मैंने पाया कि मेरी ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस केस में मेरी काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, आई होप कि आपको इजिली समझ में आ गया हो। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गुडनेस ऑफ फैट टेस्ट। तो ठीक है, which determines whether the particular distribution fits the observed data or not. जैसे कि मैंने आपसे कहा, goodness of fit test क्यों कहते हैं, क्योंकि हम क्या सोचकर चलते हैं कि हो सकता है हमारा, क्योंकि बेसिकली याद रखेगा काई स्क्वायर टेस्ट में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो राइट टेल होता है, क्योंकि राइट में जो आपकी पूंछ होती है ये राइट तरफ होती है। ठीक है, राइट साइड में होती है, तो हम सोच के चलते कि ये राइट टेल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ स्क्यूड हो सकता है। ठीक है, तो मेजरली क्या कहते हैं कि राइट की तरफ ही स्क्यूड हो। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या टेस्ट, क्या मान के चलते कि हमें क्या डिटरमाइन करना होता है, हमें क्या करना होता है कि पर्टिकुलर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है
उसमें हमारा जो ऑब्जर्व डेटा है ये फिट होगा या फिर नहीं, हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे कि हमारे ऑब्जर्व डेटा है इस डिस्ट्रीब्यूशन में, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में फिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ये देखने के लिए हम बेसिकली काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। इसीलिए इसे हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कहते हैं। फिट क्यों फिट टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है, फिट यानी हमारा डेटा हम इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं कि ये फिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इस टेस्ट को कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर से हम रिविजन करते हैं, यहाँ पर काय स्क्वायर टेस्ट किस लिए यूज करता है, कंपैरिजन करने के लिए, अपेक्षित करने के लिए, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेड एंड आपके जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती है उसकी तुलना करने, उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जितनी ग्रेटर, जितनी ज्यादा आपके अंतर होगा आपकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में एंड एक्सपेक्टेड में, उतनी ज्यादा आपकी काय स्क्वायर की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा उसकी वैल्यू, उसका मूल्य उतना ज्यादा होगा, अधिक होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने ये क्या देखा कि अगर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यदि कोई भी डिफरेंस नहीं है, उनके बीच कोई भी अंतर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी काय स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, काय स्क्वायर की आपकी वैल्यू क्या होगी उस केस में, शून्य होगी, यानी जीरो होगी, ठीक है। इसे हम गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हमारा जो ऑब्जर्व डेटा है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में फिट बैठता है या फिर नहीं, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काय स्क्वायर टेस्ट को, ठीक है, काय स्क्वायर टेस्ट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना है काय स्क्वायर टेस्ट का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से होता है, काय स्क्वायर, ठीक है, तो काय स्क्वायर का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, द क्रॉस लाइन, कर्व लाइन एंड द क्रॉस लाइन, ठीक है, इस तरीके से ये सिंबल होता है काय स्क्वायर का। इसे एक्स नहीं रीड करना, इसे हम कहते हैं काय स्क्वायर, ठीक है। अब काय स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, काय स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन, इसे हम कहते हैं सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, हम ऐड करते हैं सारे टर्म्स को। अब सबमिशन इनटू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज माइनस एक्सपेक्टेड का द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यूज या फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे समथिंग, ठीक है, डिवाइड बाय आप वैल्यू पुट करोगे, जो भी आपका नंबर आएगा, जो भी आपके टर्म्स आएगा उसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपके काय स्क्वायर का फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पर आप काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला देख रहे हो, ठीक है, स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हो, काय स्क्वायर टेस्ट का ये फॉर्मूला देख रहे हो। तो काय स्क्वायर टेस्ट के फॉर्मूले में आप देखोगे सिर्फ यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ही है, यहाँ पर कोई और टर्म्स नहीं यूज करे गए, ठीक है। एक्सपेक्ट आप करते हो जो प्रिडिक्ट करते हो, और जो आप एक्चुअल एग्जामिन करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो वैल्यूज आते हैं उसका बेसिकली आप स्क्वायर लेते हो एंड देन एक्सपेक्टेड से उस वैल्यू को डिवाइड करते हो और सबमिशंस का एडिशन करते हो, देन उसका स्क्वायर रूट आप लोगे, देन आपको काय स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। बस आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में फॉर्मूला पूछा जाता है, अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स है काय स्क्वायर से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि समटाइम्स पैरामेट्रिक में भी यूज होता है, तो कैसे यूज होता है हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, अपने हमने जैसा कि अभी यहाँ पर फॉर्मूला देख लिया था प्रीवियस स्लाइड में, तो उसी पर आपके जो क्वेश्चन राइज होंगे उसी पर मैंने कुछ यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए, ठीक है। काय स्क्वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, काय स्क्वायर टेस्ट डिपेंड नहीं होता है सिग्मा और मीन पर, ठीक है, सिग्मा और मीन पर आपका काय स्क्वायर टेस्ट डिपेंड नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया सिर्फ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और वैल्यूज पर काय स्क्वायर टेस्ट डिपेंड होता है। मेकिंग इन्फरेंस अबाउट मोर देन टू पॉपुलेशन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो पॉपुलेशन लेते हैं, टू पॉपुलेशन लेते हैं या फिर उससे ज्यादा, मोर, ठीक है। देन नेक्स्ट, टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ टू क्वालिटेटिव पॉपुलेशन वेरिएबल, तो यहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं, टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स पर, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी लेकर बताया था, तो एग्जाम्पल में मैंने क्या करा था,
ऐसे वेरिएबल्स लिए थे जो कि क्वालिटेटिव है, जो कुछ ना कुछ फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। सेवन स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर कर रहे थे। हाइट क्या है? एक क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसको आप बेसिकली आप मेजर करते हैं, लेकिन ये एक फीचर है, आप उनकी क्वालिटी देख रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से कैल्शियम लेवल देख रहे थे हम 49 इयर्स की एज में, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल जो क्वालिटेटिव है फीमेल्स और मेल्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं फीमेल्स एंड मेल्स में, आप ये देखो कि मैरिड लेवल क्या है, ठीक है, कि मेल्स कितनी एज में मैरिड होते हैं एंड फीमेल्स की मैरिज कितनी एज में होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है ये क्या है, दोनों भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है। तो याद रखिएगा काई स्क्वायर टेस्ट में अगर काई स्क्वायर टेस्ट एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ले रहे हैं हम, तो उसमें क्या होते हैं वेरिएबल्स जो होंगे आपके वो क्वालिटेटिव होंगे। नेक्स्ट, मेकिंग इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन वेरियंस। पॉपुलेशन वेरियंस पर आप स्टडी करते हो कि आपका जो पॉपुलेशन वेरियंस है किस तरीके से आपका जो डेटा है मीन से स्प्रेड आउट है, ठीक है। टेस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ ऑन कैटेगोरिकल वेरिएबल, जैसे कि मैंने आपको बताया कैटेगोरिकल इज नथिंग बट आप क्या करते हो, जिसमें आप रिजल्ट फाइंड आउट करते हो, जो क्वालिटी बताए किसी चीज की उसे हम कहते हैं कैटेगोरिकल, ठीक है। कैटेगरी आप बताते हो, सो बेसिकली कैटेगरी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं जो क्वालिटेटिव हो। कॉमनली यूज टू इवेल्युएट टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। हम किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ सिंपल पॉइंट्स थे, आई होप कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही थी कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज होता है समटाइम्स, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले, काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड एज पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। सो याद रखिएगा काई स्क्वायर टेस्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक तौर पर भी हम यूज करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। सो पैरामेट्रिक टेस्ट में हम कब यूज करेंगे, जब हमें पॉपुलेशन का वेरियंस एंड सैंपल के वेरियंस में हमें डिफरेंस पता हो, या फिर हम उसमें क्या करते हैं कि पॉपुलेशन का वेरियंस या फिर सैंपल के वेरियंस में हमें कुछ टेस्ट करना होता है कि कितना एक दूसरे से इनका वेरियंस जो है डिफरेंस है। सो ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन का वेरियंस एंड सैंपल के वेरियंस को एक तरीके से कंपेयर करा जाता है। अब पॉपुलेशन का वेरियंस क्या होता है, सैंपल का वेरियंस क्या होता है, जैसे कि मैं आप सभी को बताते आ रही हूँ, वेरियंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, उसे हम कहते हैं वेरियंस। अब वेरियंस भी क्या होता है, वेरियंस भी यही बताता है कि आपका जो डेटा है ये मीन है, ठीक है, मीन से कितना स्प्रेड आउट है आपका डेटा, यही बताता है आपका वेरियंस कि कितना आपका डेटा फैला हुआ है, ठीक है। अब जैसे पॉपुलेशन का वेरियंस है एंड सैंपल का वेरियंस है, मान लीजिए ये पॉपुलेशन का वेरियंस है, ठीक है। अब सैंपल का वेरियंस है जिस पर आपने स्टडी करा, कुछ इस थोड़ा कम ज्यादा आ सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है कि आपका डेटा जो है इस केस में सैंपल के वेरियंस में ज्यादा स्प्रेड आउट है। तो आप क्या देखते हो यहाँ पर कि जब आप काई स्क्वायर टेस्ट को एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे, तो आप क्या करोगे, वो पॉपुलेशन वेरियंस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वेरियंस, यानी पॉपुलेशन वेरियंस एंड सैंपल वेरियंस में आप क्या करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से इनका वेरियंस है, किस तरीके से इनका जो डेटा है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैच हो रहा है सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, या फिर सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन से मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यही एक तौर पर काई स्क्वायर टेस्ट यही इसीलिए यूज करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका ये फॉर्मूला बता रहा है, इफ वी टेक ईच वन ऑफ कलेक्शन सैंपल वेरियंस डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन वेरियंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसको आपको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अगर काई स्क्वायर टेस्ट को हम एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करें तो उस केस में काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ सैंपल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। वेरिएंस है सैंपल का, ठीक है, सैंपल का वेरियंस एंड पॉपुलेशन का वेरियंस मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन एन माइनस वन, वेर एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल, ठीक है, एंड ये आप वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे सारे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, सैंपल का जो वेरिएंस है उसको यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करनी है न्यूमरेटर में, डिवीजन में, सॉरी डिनोमिनेटर में आपको पॉपुलेशन के वेरिएंस की वैल्यू पुट करना है, एन इज नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल, जितना आपने सैंपल सेलेक्ट करा है, मतलब
आपने मान लीजिए 20 लोगों को सिलेक्ट करा है माइनस वन, ठीक है, बस आपको ये वैल्यू डालना है, सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर। बहुत इजी है। बेसिकली एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट में हम काय स्क्वायर टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, हम बस देखना चाहते हैं कि पॉपुलेशन का वेरियंस एंड सैंपल के वेरियंस में कितना डिफरेंस है, ठीक है। और ये उसका फॉर्मूला होता है जिसको मैंने इन वर्ड्स यहाँ पर लिख कर भी बताया है, ठीक है। आपको ये भी सेंटेंस को अच्छे तरीके से बार बार रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स जो बचे हुए हमारे टेस्ट है यू टेस्ट एंड एच टेस्ट, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर यही सेशन को हम कंटिन्यू करते तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में डिफिकल्टीज होगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम यू टेस्ट एंड एच टेस्ट, जो कि मैन विटनी यू टेस्ट होता है आपका एंड क्रुस्काल वैलिस एच टेस्ट होता है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यही एंड करते हैं और काय स्क्वायर टेस्ट के बारे में हमने जो भी अभी तक पढ़ा उस पर हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर इज अ ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज देन द वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर टेस्ट इज, यानी यदि आपकी जो एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है, एक्सपेक्टेड यानी जैसे कि मैंने आपको बताया जो आप प्रिडिक्ट करते हो, जो आप गेसेस करते हो, विच इज नोन एज एक्सपेक्टेड, एंड ऑब्जर्व यानी जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर आपको वैल्यू मिल रही है, जो एक्चुअल जो रियल वैल्यू है आपकी जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद मिल रही है, दैट इज नोन एज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कोई किसी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया था, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ये भी, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपको सेशन में बताया भी कि एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा आपकी गैप है, ग्रेटर है वैल्यूज, जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी काय स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू जो है ये भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। जितना ज्यादा इनका डिफरेंस बड़ा होगा उतनी ज्यादा काय स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू बड़ी होगी, और जितना डिफरेंस कम होगा उतनी जो काय स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू है उतनी कम होगी, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, ओके, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बराबर हो गए एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, तो उस केस में आपकी काय स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है, ग्रेटर है डिफरेंस तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपके काय स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटर और बड़ी हो जाएगी आपकी काय स्क्वायर परीक्षण की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं विच इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, वॉट इज द मीन ऑफ काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया गया है विच इज 6, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन ऑफ अ काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको सीरीज में बताना भूल गई, जो थ्योरी हमने पढ़े उसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई हूँ, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना, काय स्क्वायर टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी है, एक यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है। तो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की काय स्क्वायर टेस्ट आपका जो काय स्क्वायर टेस्ट हम पढ़ते आ रहे हैं उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो मीन होता है काय स्क्वायर टेस्ट का इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो मीन होगा आपका काय स्क्वायर टेस्ट का, ठीक है। काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो हमेशा बराबर होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट एन माइनस वन, जो आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो आपके आइटम्स होते हैं सैंपल्स में, वो होता है आपका एन माइनस वन, विच इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ही मीन होगा आपका काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6, ठीक है। आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो आई होप, कि जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उतना ही मीन होता है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, ये काय स्क्वायर टेस्ट की एक प्रॉपर्टी में आता है। आई होप कि क्लियर हो गई हो आपको सारी चीजें काय स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड। फिर भी आपके जो भी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।